हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, सॉरी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल कंपनी, यस गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हैगा जॉइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है जॉइंट का, जॉइंट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जॉइंट सेक्टर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र को भी महत्व प्राप्त रहता है, ठीक है। जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इन्हीं के थ्रू क्या हो गया, हमारा जॉइंट सेक्टर भी होता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको कि एक ऐसी कंपनी जिसमें निजी, सरकारी और पब्लिक तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, जॉइंट सेक्टर बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों कंपनी को मिलाकर हमें क्या करना है, जॉइंट सेक्टर बनाना है, प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लस गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इनकी हिस्सेदारी कैसे दी गई है, 26% इनकी, 25% और 49%, ठीक है ना। इस तरह की इनकी हिस्सेदारी दी गई है। अगर जॉइंट सेक्टर की कंपनी है तो उसमें 25% प्राइवेट सेक्टर का होगा, 26% गवर्नमेंट का होगा और 49% पब्लिक का होगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा जॉइंट सेक्टर। ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना से होता जॉइंट सेक्टर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र भागीदार होते हैं, दिया ही है, इसमें प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट तीनों भागीदार होते हैं। इसके द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ मिलते हैं, ठीक है ना। जो भी हमें फैसिलिटी होगी वो कौन सी मिलेगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की। देश के संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। हमारे देश की जो भी विकास गति हो रही है देश की, ठीक है ना, आर्थिक गति, उसको प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त क्षेत्र में असीमित जोखिम ना होकर जोखिम का विभाजन हो जाता है, ठीक है। या किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक चीज पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है कि, ठीक है ना, सारा रिस्क उस व्यक्ति का नहीं रहता है। यहाँ पर सबका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि दिख ही रहा है ना, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट तीनों मिलकर चला रहेंगे तो सबका रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र का दैनिक प्रबंधन निजी क्षेत्र के साझेदारों को प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये कंपनी चलाना, उसको कंट्रोल करना किसके हाथ में रहता है, इसका पूरा मैनेजमेंट प्रबंधक के हाथ में, ठीक है ना, मैनेजर के हाथ में इसका पूरा कि पूरा मैनेजमेंट रहता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ जॉइंट सेक्टर। संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य या लाभ महत्व, उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण। बनी बात है कि अब जब 49% पब्लिक का हैगा उसमें, तो पब्लिक का अधिकार ज़्यादा हुआ ना गवर्नमेंट और प्राइवेट के मुकाबले, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह पॉइंट आता है कि उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण रहेगा, पब्लिक का नियंत्रण कंट्रोल रहना ही है। नेक्स्ट चीज़ दी गई है असफलताओं को दूर करना। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से मिलके बने हुए हम लोग, ठीक है ना, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट, सब अपनी अपनी तरीके, अपनी अपनी योजनाएं, अपनी अपनी पॉलिसीज में लगाएगी, ठीक है ना, अपना अपना बजट लगाएगी, तो ये कंपनी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। उद्यमशीलता का विकास। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सक्रिय प्रबंध पटुता रहती है, ठीक है ना। आप अगर जॉइंट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप प्राइवेट सेक्टर के बंदे हो, ठीक है ना, आप प्राइवेट कंपनी, आप अपना पैसा उसमें लगाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके कंपनी का लेवल डबल ट्रिपल बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं रहता है कि नहीं आपके पास उतना होना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप नौ सीखे हो तो नहीं लगा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपकी प्राइवेट कंपनी है, आपके पास पैसा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और जॉइंट सेक्टर में शामिल हो सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आप एक बड़ी कंपनी में गिनती हो जाएगी आपकी, है वही आपके 25% शेयर ही होंगे, बट है कौन, जॉइंट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी हो, ठीक है, तो आपका नाम भी वहां पर बड़ा हो जाता है। विकास में समानता,
जब राज्य सरकार एवं प्रदेशों में निजी उद्योगकर्ताओं का सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को विकास करते तो पिछड़े हुए प्रदेश भी औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, परिणाम स्वरूप रोजगार पर आय बढ़ेगी तथा विकास में प्रादेशिक समानता आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो विकास रहेगा उसमें समानता इक्वलिटी आएगी, ठीक है ना। पिछड़े हुए क्षेत्र जो चल रहे हैं वो क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में क्या होगा, विकास अपनी रफ्तार पे ही बढ़ता रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है ना। आपने नाम तो सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनियों का। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आशा ऐसी कंपनियों से है जिसका व्यापार व्यवसाय किसी एक देश में ना रहकर सभी देशों में, ठीक है ना, या फिर दूसरे देशों में भी व्यवसाय फैला रहता है तो वो होती है मल्टीनेशनल कंपनियां, ठीक है ना। एक से अधिक देशों में उनका बिजनेस फैला रहता है। अब एक से अधिक देश कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे एक से अधिक देश तो, ठीक है ना। जैसे इंडिया की कोई कंपनी हैगा जिसका चीन में, जापान में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अमेरिका और भी अदर देशों में उनका बिजनेस फैलाएगा तो वो सारी कंपनी क्या हो जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनियां हो जाएगी, जिसका कारोबार एक देश के अलावा दूसरे अन्य कई देशों में भी अपना कारोबार होगा वो सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, फिर मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये। अब विशेषता क्या होती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनकी स्थापना किसी विकसित या विकासशील देश में होती है, मनी बात है कि ऐसा देश जो विकसित हो रहा है या फिर ऐसा देश जो विकसित हो चुका हैगा, ठीक है ना। जैसे हमारा इंडिया हैगा विकासशील हैगा, अमेरिका हैगा विकसित हैगा, ऐसे देशों में इसकी स्थापना की जाती है। इनके पास व्यापक मात्रा में वित्तीय साधन होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इनके पास में धन होता है, बनी बात है। आप अदर दूसरे देशों में भी कारोबार करने जा रहे हो तो आपके पास में धन तो होगा ही, ठीक है ना, वित्तीय साधन आपके पास में होंगे। इनके द्वारा उच्च किस्म का माल उत्पादित किया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी है तो माल भी वो अच्छी क्वालिटी का ही बनाते होगी। इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका बिजनेस होता है, ठीक है। नवीनतम तकनीक का प्रयोग भी अपने उत्पादन कार्य में करते, न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब एडवांटेज दे रखे, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी कंपनी जो दूसरे देशों में भी काम कर रही है, ठीक है ना, वहाँ भी वो काम करवा रही है, तो वह उसकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन तो उसकी बहुत अच्छी होगी ही, खुद सोच सकते हैं, ठीक है। नवीन तकनीक, ये नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैंगे, योग्यताओं का लाभ यहाँ पर हर देश की या फिर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर बोल सकते कि आप अगर दूसरे के क्षेत्र में डालते हो, ठीक है ना, जैसे इंडिया की कंपनी आपने कह दी किसी और अदर स्टेट में, सॉरी अदर किसी देश में डाल रखी है, कंट्री में डाल रखी है, वहाँ पर अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी मिलती है उसी काम को करने के लिए, आप अपनाओगे, अपने यहाँ पे जो प्लांट है उसमें भी लगाओगे कोई टेक्नोलॉजी, वहाँ पर अगर वो ट्रेनिंग जिस हिसाब से दी जाती है वो आपको मेथड पसंद आएगी तो आप यहाँ भी वो मेथड लागू करोगे, ठीक है ना। तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती है मल्टीनेशनल कंपनियों में। जीवन स्तर में वृद्धि, अब यहाँ पर क्या आएगा, जब मल्टीनेशनल कंपनी बनती है तो देशों को विकास हो जाता है, ठीक है ना, रोजगार मिलने लगता है लोगों को, तो इससे क्या होता है, देश का विकास होता है, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है, रोजगार में वृद्धि। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी तो आपको काम तो मिलेगा ही, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस खत्म हो गए। डिमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, अधिकतम लाभ कमाना, अब भैया बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है तो उसका पॉइंट तो यही होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना, अदर देशों में भी है कि, ठीक है ना। दूसरा होता है विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग, इसमें हेराफेरी होती है कि फॉरेन करेंसी जो रहती है विदेशी मुद्रा उसकी हेराफेरी करी जाती है। कपटपूर्ण कार्य, अब इतने देशों में काम होते हैंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा काम अच्छा है कौन सा नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है ये जानकारी नहीं रहती है। सामाजिक असमानता को जन्म, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती जो इनके साथ जुड़ जाती है, जैसे कहाँ किस तरीके से काम करवाना है, सभी जगह का माहौल एक जैसा नहीं होता है, सब जगह का माहौल अलग अलग होता है, तो हर जगह अलग अलग तरीके से ही व्यवहार करना पड़ता है, ये चीज़ आती है, ठीक है। भ्रामक विज्ञापन, मल्टीनेशनल कंपनी है कि, ठीक है ना, तो वो उल्टे सीधे अपने माल को बेचने के लिए किसी भी तरह का एग्जाम्पल या फिर किसी भी तरह का एड दे देते हैं। नॉर्मली टीवी पर आप आते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, आप सर्च करोगे
तो नाम भी आ जाएंगे उसके हिसाब से, आप उनका एड भी देख सकते होगे तो आपको पता चल जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, क्या करती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, भूमंडलीय उपक्रम या वैश्विक उपक्रम, मल्टीनेशनल ले लो ग्लोबल ले लो, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कंपनी की एक लिमिट होती है, ठीक है ना, कि वो दो देश या दो से अधिक देशों में कर सकते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी ग्लोबल एंटरप्राइज में ये होता है कि यहाँ पर वो देशों की पूरी जो सीमा रहती है, हर कंट्री की अपने अपने बॉर्डर रहती है, ये सारे बॉर्डर को तोड़ के पूरे दुनिया में लागू होती है, ठीक है ना, पूरी धरती पर आप कभी भी कहीं भी ये कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइजेस ओपन होती है। इसके लिए कोई रूल कोई नियम नहीं होते होंगे, ठीक है ना, कि भैया मेरे को मेरी इस देश में डालना है का, तो वहाँ के रूल फॉलो करने, वो मल्टीनेशनल में हो गया। यहाँ पर आप ग्लोबल लेवल की कंपनी बनने के लिए आप कभी भी कहीं भी अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते होगे, ठीक है ना, कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं रहती अगर ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो तो, और बनना है तो। वैश्विक उद्यम से आशय ऐसी आर्थिक गतिविधि से जिसका संचालन देशों की राजनीतिक सीमाओं को ध्यान में रखे बिना बिना संपूर्ण विश्व में किया जाता है। इसका संचालन का पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, ठीक है ना, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बाकी सारी चीजें वही रहती है और कुछ भी नहीं, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, आप इसमें वही सारी चीजें मल्टीनेशनल में अधिक से अधिक पूंजी लगेगी, इसमें कैपिटल आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, फॉरेन कोलैबोरेशन, विदेशी गठजोड़, वैश्विक उद्यम एक समझौते के तहत भारतीय कंपनियों से गठजोड़ करते हैं, अंतिम उत्पाद के लिए अपने नामों के उपयोग की अनुमति भी प्रदान करते हैं, इसके साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का माल उत्पादन के लिए भी समझौता करते हैं। अब यहाँ पर करती है कि जो कंपनी रहती है ये भारतीय कंपनियों से गठजोड़ कर लेती है, ठीक है ना, जो ग्लोबल कंपनी होती है ये इंडिया में जो कंपनी उनके साथ में क्या करेगी, साझेदारी कर लेगी, ठीक है ना, उनको अपना नाम भी यूज करने की परमिशन दे देगी, और जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, उस तरीके की कंपनी। एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी, बनी बात है कि जब ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है तो हर देश में नई नई टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वो अपनी कंपनी के जितनी ब्रांचेस सभी में वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि भैया वहाँ इतने फास्ट काम होता था, यहाँ भी ये काम होना चाहिए। इनोवेशन, नए नए काम आएंगे, मल्टीनेशनल लेवल सॉरी ग्लोबल लेवल की कंपनी है कि हर देश का अपना अपना फैशन है, अपने देश का रुचि है कि उस काम की, ठीक है ना, तो यहाँ भी वो चीज़ होगी, ठीक है, क्या नया नया इनोवेशन होता रहेगा, क्यों, क्योंकि एक चीज़ पर इंसान ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है, ठीक है ना, एक चीज़ पर ज़्यादा देर नहीं टिक सकता है, एक काम को ज़्यादा देर नहीं कर सकता, बोर हो जाता है उसको, हर अपने काम में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, जिसकी वजह से वो हमेशा ये सोचता है कि हर कुछ काम करने में मज़ा आया, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर संयुक्त उपक्रम, जैसा जॉइंट सेक्टर था वैसा ही हमारा क्या आएगा, जॉइंट वेंचर भी है, लेकिन वहां पर पब्लिक गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों मिले हुए, बट यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट को नहीं मिलाना, हमें तो दो कंपनियों को आपस में मिलाना हैगा जो एक टारगेट लेके चलती है, ठीक है, कोई सी भी ऐसी दो कंपनियां है जिसका मोटिव जिसका टारगेट एक हो, ठीक है, कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है, कोई बिजनेस को नाम कमाने के लिए बढ़ाया जॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में अगर आपने पढ़ा हो, पार्टनरशिप की वीडियो भी देखी हो, तो सेम सारी प्रोसेस वो वहाँ थी, वही की वही सारी प्रोसेस यहाँ भी रहेगी इसमें भी, ठीक है ना, जैसे दिया गया एग्जांपल के तौर पर। आज कोई भी व्यवसायिक संगठन या फिर विश्व व्यापारीकरण के इस युग में व्यवसायिक इकाइयाँ न केवल निजी या सरकारी स्वरूप में संगठित होकर व्यवसाय करती है, अपितु भूमंडलीय वैश्विक उद्यम के रूप में भी संसार के प्रत्येक देश में उद्यम रहते हैं। यहाँ पर कोई भी आज के टाइम पर ना कोई प्राइवेट कंपनी ना कोई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पर मल्टीनेशनल और ग्लोबल एंटरप्राइजेस का भी टाइम है। आज कोई भी व्यवसायिक संगठन अपने व्यवसाय की प्रतियोगी बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए अन्य व्यवसायिक संगठनों के साथ जुड़कर पारस्परिक लाभ की एकत्रित होता है एकीकृत होता है।
अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर दो कंपनी आपस में खड़ी होती है तो वो जॉइंट वेंचर के नाम से हो जाएगी, संयुक्त उपक्रम आप उसको कह सकते होगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या रहते हैं कि दो कंपनी को साथ में लाने के। पहला उद्देश्य होता है व्यवसाय में निवेश की मात्रा बढ़ाना। एक व्यक्ति है वो उतना ही इन्वेस्ट कर सकता है, अगर दो कंपनी आपस में इन्वेस्ट करेगी तो डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। विदेशी निवेश को बढ़ाना, बड़ी बात है कि अब जरूरी नहीं है यहाँ पर कि वो इंडिया की ही दोनों कंपनी हो, बाहर की फॉरेन की भी कंपनी आ सकती है, यहाँ की कंपनी भी आ सकती है, दोनों व्यक्ति मिलकर अमेरिका की एक कंपनी और इंडिया की एक कंपनी मिलकर, दो कंपनियाँ मिलकर एक कंपनी बना ले, ठीक है ना, ये हो सकता है। विदेशी बाजारों में प्रवेश करना, अगर उसके साथ हम जॉइंट वेंचर करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसकी कंपनी के साथ में मैं वहाँ अमेरिका जा सकता हूँ तो मेरा बिजनेस अमेरिका भी फैल जाएगा, मेरा प्रोडक्ट अमेरिका चले जाए, या अमेरिका की कंपनी आकर यहाँ पर हमसे जुड़ती है तो उसका प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। जोखिमों का विभाजन, यहाँ पर रिस्क रहेगा वो दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। आधुनिक तकनीक, वही वाला न्यू टेक्नोलॉजी तो आपको हर मेथड में मिलेगी, ठीक है ना, आप वाले जॉइंट सेक्टर पढ़ लो, मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ लो, ग्लोबल एंटरप्राइज, न्यू मेथड मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप सभी के जो ऑब्जेक्ट एडवांटेज दे रखे हैं आपको, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक सभी के सारे पॉइंट एक जैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर पांच पॉइंट आप लर्न करते हो तो पांच में से आपको दो से तीन पॉइंट तो सब में कॉमन होंगे, ठीक है ना। रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, जोखिम का विभाजन हो जाएगा, मतलब जो रिस्क है उसका डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये सारे पॉइंट तो आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएंगे, यही एडवांटेज में आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब नीचे दिया है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना। भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए कोई दो पक्ष, चाहे वो व्यक्ति हो या कंपनी हो, मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। इसमें एक पक्ष अपना व्यवसाय नवीन कंपनी को हस्तांतरित कर नई कंपनी के अंशों को प्रतिफल स्वरूप स्वीकार कर लेता है, दूसरा पक्ष इन अंशों को नकद क्रय कर लेता है। यहाँ पर आपको जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए दो व्यक्ति या दो कंपनी मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, नई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक पक्ष अपना नवीन कंपनी को हस्तांतरित कर नई कंपनी के अंशों को फलस्वरूप स्वीकार कर लेता है, ठीक है, अपनी पुरानी कंपनी को बेचकर नई कंपनी खरीद लेते हैं। या फिर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो जो संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए लिखित समझौता होने अनिवार्य है, ठीक है, जो पार्टनरशिप में था वो सारी चीज़ें यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप दो कंपनी, दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी आप दो कंपनियाँ हैं कि जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यह निर्धारित शर्तों पर आधारित एवं संबंधित पक्षकारों द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए। इस अनुबंध के निर्माण में पक्षों की सांस्कृतिक एवं वैधानिक पृष्ठभूमि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। भविष्य में किसी प्रकार की वैधानिक जटिलता या कानूनी अड़चन उत्पन्न ना हो, इसलिए सभी बिंदुओं पर आवश्यक विचार विमर्श एवं स्पष्टीकरण इस पंजीयन करवा लेना चाहिए, ठीक है। बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डाउट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आपका जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।